जवान जो छोटे छोटे बच्चे मोबाइल लेके अंदर घुसे, उनके रिश्तेदार वहाँ अंदर घुसे, वहाँ उनने देखे वो डेनिस कैसा है, तो आज उनने वो देखी लाश, अब सुबह को मिली लाश। जब वो वहाँ चले गए वाइल्ड लाइफ पहले क्यों नहीं जा सकते वहाँ पर, वहाँ पर उनने वो क्यों नहीं लगाई जो वहाँ पर पंजीर वंजीर जो है उनके केज जो लगा नहीं उनके। तो मेरी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। आज मैं मंजूर कराना चाहता हूँ कि ये जो फॉरेस्ट यहाँ पर है उसे ख़त्म कर दिया जाए, अगर वो यहाँ के लोगों को बसाना चाहते हैं, या हमें ये पैसे दे दें, हम यहाँ से भाग जाएंगे। सर, सबसे पहले 2014 में यहाँ स्पॉट किए गए लेपर्ड्स, ये एक गवर्नमेंट नर्सरी है, लेकिन ये इतनी डेंस नहीं थी, लेकिन कुछ सालों से ये बंद पड़ी है, ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस पे कोई कान धर रहा है, और ना ही वाइल्ड लाइफ वाले आए थे कुछ दिनों पहले, लेकिन दो दिन आते हैं तीसरे दिन गायब हो जाते हैं। केजेस लगाए हैं लेकिन उन केजेस का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम ये पहले से ही जान चुके थे कि जब तक यहाँ कोई ह्यूमन लॉस ना हो तब तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी कदम लेने के लिए तैयार नहीं होगी। लेकिन कल जब एक मासूम सी बच्ची जिसको यहाँ से उठा लिया गया, तेंदुए ने घर से उठाया, तब जाके ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा जाग गई है। बोलो दर्शक, मे नी साइकिल हिशा सेकंड गई जी सेकंड बागस मे बिहत बोत अत साइकिल हिशान सिर्फ पे चोर कदम बाग पाथस पे पत्स क्रख नीख यह चीख है सब से नबर द्राय आवाज द्राय बो गो शेख मे दबर इन लोय कस क्या यमिक इस्तेमाल जहा हालांकि चोर वरी ब्रोट गुत डिक्लेयर क्या वाइल्ड लाइफ ऑलरेडी अच्छा क्या गो क्या नो वो तूर डिस्कस कर पो लोक बोस बा लोक पल भी सात आठ साल का तेमिस अदा चीख तेम हाँ मैं भी सुनता हूँ देखो क्या बात है। जब वो सी डी से थोड़ा एक कदम नीचे गया वहाँ से उसने इसकी गुड़िया गोद में थी वो गिरी थी और उसके आगे दो कदम नीचे गई इसकी चप्पल मिली। जब उसने बोला उस वक्त मैं समझा मेरी टांगे बैठ गई वो वक्त और ये वक्त। कल 2:30 बजे रात तक हमें बहुत परेशान किया, एक टीम दूसरा टीम वो बाकी चीज वो कहाँ मिलती, वो उसी वक्त उसे ले ली थी। बाकी इस वक्त मुझे लाश मिल गई कहीं खेत से लाई यहाँ लोकलों ने, अब सामने ये हालात उसके इधर सामने। प्लीज कार्रवाई तो हमने की है, वही मैं कह रही हूँ कि वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका अपना एक ये होता है प्रोसीजर, हमारी तरफ नहीं कि यहाँ से निकल गए तो हमने उनको ट्रैक किया। ये अनप्रेडिक्टेबल किस्सा है, इसमें वही अवेयरनेस जो डूज एंड डोंट्स बार बार हम मीडिया में भी यहाँ पर लोगों के सामने भी और एक वाइल्ड लाइफ SOS के साथ भी हमने टेकअप किया, उन्होंने भी यहाँ पर लोगों की ये सारी चीजें बताई थी। ये हमने ये अभी हम चीफ साहब को इसका ऑर्डर इसको ये किलिंग परमिशन अभी आ जाएगा, हमने कुछ हंटर्स को भी ये किया है मतलब वो इसको शूटिंग के हायर किया हुआ है इसको हंटर्स को भी हम इस पर लगे रहेंगे इंशाल्लाह हो जाएगा। वी आर होपफुल कि ये जल्द ही ट्रैप ये किल हो जाए। ये आप मैं को बताऊंगी, पहले फॉरेस्ट की नर्सरी बनी है उसके बाद हाउसिंग कॉलोनी बनी।